हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल जिसका नाम है द अकेडमी तो आज इस चैनल पे इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जानने वाले हैं व्हाट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मनी क्या है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमने उसके ऊपर बात की थी सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस A variety of objects was used as money. For example, since very early years, Indians used grains, grains, and cattle as money. Thereafter, thereafter came the use of metallic coin. Metallic coins such as gold, silver, copper, etc. फेज विच कंटिन्यूड वेल इन टू द लास्ट सेंचुरी बड़े लंबे समय तक ये सब चल सका हम लोग करेंसीज में अगर बात करें मनी के तौर पर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि पहले हम लोग इंडिया में क्या होता था एक्सचेंज होता था एक्सचेंज होता था मीन्स बाटर सिस्टम होता था ठीक है बाटर सिस्टम होता था और हम लोग उसको ईजिली क्या करते थे एक्सचेंज कर लिया करते थे लेकिन उसमें दिक्कत ये आती थी कि अगर कोई बंदा है और उसे कोई चीज़ चाहिए जरूरी नहीं है कि दूसरे बंदे को रिटर्न में भी वही चीज़ चाहिए बाटर सिस्टम में क्या था सामान के बदले सामान को एक्सचेंज किया जाता था इसके पास अगर चावल इसके पास अगर गेहूं है तो ये इससे क्या कर लेते थे एक्सचेंज कर लेते थे लेकिन अगर गेहूं वाले को चावल की जरूरत नहीं है तब वो क्या करेंगे तो यहाँ देख दिक्कत स्टार्ट हो जाती थी तो इसके लिए क्या किया गया एक मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को जनरेट किया गया अब इसी में टर्म आती है टर्म है क्या तो करेंसी की करेंसी क्या होता है लेट्स सी करेंसी ऑफ द फॉर्म ऑफ पेपर और क्वाइन यूजुअली इश्यूड बाय गवर्नमेंट एंड जनरली एक्सेप्टेड एट इट्स फेस वैल्यू एज अ मेथड ऑफ पेमेंट इट इज अ टाइप ऑफ मनी जिसको कि हम लोग करेंसी कहते हैं जैसे हर कंट्री की अपनी करेंसी है इंडिया की करेंसी क्या है इंडिया की करेंसी रुपी है क्लियर और इसे इशू कौन करता है तो आरबीआई से इशू करती है किसके बिहाफ में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में यानी कि आर को ऑथोराइज किया गया है किसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया कि हाँ अगर करेंसी का जो भी है या जो उसकी छपाई है वो कौन करेगा तो आर कर सकती है क्लियर एनी डाउट एज पर इंडियन लॉ नो अद इंडिविजुअल इस पर ध्यान देना नो अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी एंड नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रूपीज इसे ना तो कोई खुद से इशू कर सकता है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ना कोई इंडिविजुअल ना इसको कोई लेने से डिनाई कर सकता है टिल हियर आई थिंक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए

आजकल जब डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हर चीज क्या है बैंक के थ्रू होता है बैंक के थ्रू इन द सेंस ऑफ क्या कि सैलरी भी आनी है तो बैंक में ही अकाउंट में ही आएगी सो वर्कर्स हु रिसीव देर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वॉट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश ये जो एक्स्ट्रा कैश है इससे क्या करते हैं लोग दे इट विद द बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम एक्सेप्ट डिपोजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑन द डिपोजिट इस कैश के लिए बैंक क्या पे कर रहा है इंटरेस्ट पे कर रहा है किसके अकॉर्डिंग डिमांड कर मांग करके हाँ मेरे पैसे रखे हुए हैं आप क्या कीजिए इसे विदड्रॉ कर दीजिए दीज डिपोजिट्स और कॉल डिमांड डिपोजिट ये जो डिपोजिट रखा हुआ था कैश बैंकों में लोगों का इसे हम लोग क्या कर डिमांड डिपोजिट करते हैं देखा है कि लार्ज अमाउंट अगर हम किसी पे करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं एक चेक होता है जिसपे हम लोग अमाउंट लिख कर एक चेक होता है जिसमें हम लोग अमाउंट लिख कर क्या करते हैं किसी को पे कर सकते हैं एज एग्जाम्पल हमें पचीस हजार अगर पे करनी है तो हमने एक चेक लिया और वहां पे हमने पच्चीस अमाउंट का पे अमाउंट भरा जिसे पे करना है उसका नाम लिखा और अपना साइन कर कर उसे दे दिया और वो चेक अपने बैंक में जमा करेगा विद इन सिक्स डेज या सेवन डेज जो भी या थ्री डेज जो भी ड्यूरेशन है बैंक का उसमें क्या करती है बैंक उसको क्लियर कर देती है उसके अकाउंट में जिसे सेंड करना है जिसे देना है उसको दे देती द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट अ चेक इज अ पेपर बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम दर्सन अकाउंट टू दर्सन दिन क्या करता है? उतने से के बैंक को ये permission देता है कि आप मेरे अकाउंट से पैसा निकालें और दूसरे के अकाउंट में जिसे पे करना है उसके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दें द फैसिलिटीज ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपोजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट यूज ऑफ कैश सच डिमांड सच डिमांड डिपोजिट आई एक्सेप्टेड वाइडली एज मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग करेंसी, दे मॉडर्न इकोनॉमी सो आई थिंक आपको सारे बैंक रिलेटेड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें ओके गाइस, सी यू इन द अनदर वीडियो टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर